नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश खरोल। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन फार्मटेक ट्रैक्टर के अंदर यूज होने वाले ऑयल ब्रेक डिस्क, जिसे हम ब्रेक प्लेट भी बोलते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। जो कि ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है, हाइड्रोलिक ब्रेक ट्रैक्टर है, वेट ब्रेक ट्रैक्टर है, उसके अंदर यूज होने वाली प्लेटें हैं वो किस टाइप की आती है और किस रेट में पड़ेगी, किस MRP में पड़ेगी और उसके पार्ट नंबर क्या है, सारा इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल शकम ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है और भी नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सभी तक पहुँच सके। और दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर और भी ट्रैक्टर संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम ट्रैक्टर रिपेयर के साथ साथ पार्ट्स का नॉलेज भी अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही हम टाटा के 407-709 और महिंद्रा के बोलेरो का भी पार्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये फार्मटेक ऑयल ब्रेक की प्लेट है, डिस्क फ्रिक्शन वेट ब्रेक नाम से आएगी, देख सकते हैं। टॉप की जेन्यून न्यू मॉडल ट्रैक्टर जो ऑयल ब्रेक वाले हैं, वेट ब्रेक वाले, उसमें इस तरह की प्लेटें लगेगी जिसके पार्ट नंबर है D10228520SC.9 डिस्क फ्रिक्शन वेट ब्रेक नाम से आएगी। 985 इसका MRP है। ये टोटल क्वांटिटी में 10 है और ये ऑयल ब्रेक वाली स्प्रिंग इस तरह से आएगी, देख सकते हैं। ये आएगी स्प्रिंग फॉर ब्रेक डिस्क OIB और ये सारी ब्रेक स्प्रिंगे है ऑयल ब्रेक। इसको आपको अनबॉक्सिंग करके बता देते हैं। जो ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है उसके अंदर इस टाइप की जो ब्रेक डिस्क है वो आती है, अंदर से भी बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाली ये आएगी, इसको आपको दोनों साइड से बता देते हैं। ये देख सकते हैं, ये जेन्यून है टॉप की, अंदर से भी ये इसको बाहर निकाल रहे हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आएगी ये अंदर से, और ये अंदर से RPF की है, 23L0130 पार्ट नंबर है, और ये है जेन्यून है टॉप की, देख सकते हैं। ये ऑयल ब्रेक डिस्क को अपने अनबॉक्सिंग कर लिया है और इसके अंदर से भी पार्ट नंबर बता देते हैं। ये देख सकते हैं D10228520AC, इसके बाहर भी देख सकते हैं 20D10228520AC.9 985 MRP। ये देख सकते हैं अंदर और बाहर सेम पार्ट नंबर है D10228520AC और RPF के पार्ट नंबर भी देख सकते हैं 23L0130 देख सकते हैं। तो जेन्यून है टॉप का, देख सकते हैं ये सारा। तो इस ऑयल ब्रेक डिस्क का लेंथ है 9 इंची, देख सकते हैं आप। ये लगभग सारे मॉडल में यही चलते रेगुलर, कुछ एक अभी जो लेटेस्ट न्यू मॉडल है उसमें 6-6.5 इंची की लग रही है छोटी वाली, लेकिन इस रेगुलर सबसे ज़्यादा यही चलती है प्लेट ऑयल ब्रेक वाली, देख सकते हैं जेन्यून है। ये टोटल अपने पास 10 मंगवाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और ये सारी ब्रेक स्प्रिंग है ऑयल ब्रेक वाली, देख सकते हैं जेन्यून है सारी टॉप की। तो ये हमें रिप्लेस करना है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल शकम ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह ट्रैक्टर संबंधित वीडियो जानने के लिए हम ट्रैक्टर स्पेयर का पूरा डिटेल्स इस पर बताते हैं। ये यूट्यूब का जेन्यून है, देख सकते हैं ऑयल ब्रेक के लिए।